हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे आपका दिल से स्वागत करती मैं अंबिका। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अगर मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं कि मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, मेरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि इस स्थिति में जो 9 मंथ वाला सिचुएशन होता है, 8, 7, 9 मंथ या प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उस टाइम में हम लोगों को किस तरीके से सुनना चाहिए, कौन से पोजीशन में लेटना चाहिए, कौन सा पोजीशन लेटने के लिए बेबी बम के लिए अच्छा होता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, और किस तरीके से हम अपने आप को कम्फर्ट फील करा सकते हैं लेटते वक्त में, और किस तरीके से रहना चाहिए ना, तो इस सब पे काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो इस टाइम पे मैं अब ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे जो जो राय दिया, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने इस वो चीज़ें अपनाई और मुझे उससे काफ़ी रिलीफ था और काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिल रहा था उस पोजीशन में लेटने में, और मैं किस तरीके से लेटती हूँ अपने आप को। ये ट्विंस प्रेगनेंसी है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी में जो बेबी बम होता है काफ़ी अधिक मात्रा में बाहर की तरफ निकला रहता है, तो लेटने उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं जब सोती हूँ तो किस पोजीशन में सोती हूँ, मुझे किस पोजीशन में सोने में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था, उनका आई होप जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर वो भी जो भी महिलाएं हैं प्रेगनेंसी जर्नी से चल रही हैं, जिनके एक होता है हम लोगों का जो काफ़ी मात्रा में बेबी बम निकल जाता है, तो जब हम लोग लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या दाएं या बाएं करवट, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वही महिलाएं जान सकती हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में चल रही हैं। तो इसमें आपको आराम दे देने लायक तकिया एक पिलो आता है, जो कि ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, लोकल मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं। सी सेक्शन आकार की वो पिलो रहता है, मैं इमेज दिखा दूंगी आपको, वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, लगभग 2000-1000 अलग अलग प्राइजेस पे रहता है, और काफ़ी अच्छा होता है। सी नुमा आकार का रहता है, वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है पिलो प्रेगनेंसी के टाइम में लेटने में, सोने में। लेकिन मैंने ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं किया, मैंने सोचा कि मेरे पास जो है घर में, मैं उसी से ही अपने आप को एडजस्ट फील कराऊँ, आराम मतलब दूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ ख़रीदा नहीं। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पिलो के साथ जो घर में कुशन्स होते हैं ना पिलो, उसके साथ मैं कैसे लेटती हूँ, सोती हूँ, किस तरीके से अपने आप को, अपने बेबी बम को केयर करती हूँ, मतलब किस तरीके से मैं उसके साथ एडजस्ट होती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बेड पे आ गई हूँ, और मैंने अपने साथ यहाँ पे 2-3 ये पिलोज़ हैं वो रखे हुए हैं। मैं हमेशा 2 या 3 पिलो अपने साथ लेटती हूँ या सोती हूँ, तो ये 2-3 पिलो ही अपने साथ कैरी करती हूँ, इन्हीं के सपोर्ट से मैं लेटती हूँ। तो वैसे तो देखा जाए, इस प्रेगनेंसी के हालत में आपको कोई भी पोजिशन में नहीं आराम मिलता है, क्योंकि बेबी मूवमेंट भी करता रहता है, बेबी का दबने का कह सकते हैं, वो सब दिक्कतें होती रहती हैं। बट मैं किस तरीके से लेटती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादातर आपको बाएं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से होता है, डाइजेस्ट वाला जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, वो अच्छे से हो जाता है, और बेबी का जो मूवमेंट होता है ना, अगर आप बाएं करवट लेटते हैं लेफ्ट साइड, तो वो अच्छे से कर लेता है बेबी। तो बाएं साइड में किस तरीके से लेटती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से एक पिलो मैं यहाँ पे अपने लगा लेती हूँ सर के साइड, और दूसरा पिलो मैं ये लेती हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ अपने ये बेबी बम के पास, और एक पिलो मैं दोनों पैर के बीच में फंसा करके लेटती हूँ। तो इस तरीके से मैं लेटती हूँ। तो ये है कुछ पोजीशन, ये कुछ इस तरीके से लेटने का है, और इस तरीके से मैं बहुत ही आराम तरीके से इस तरीके से बीच में, दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से तकिया फंसा करके, या आप इसको डबल भी करके इस तरीके से लेट सकते हो। और ये जो आपका बेबी बम है, ये इस तकिए पे सपोर्ट बन जाता है। अगर आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है इस पिलो से, तो आप इस पिलो को हटा भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो बेबी बम का ये जो पेट है ना, वो सपोर्ट बनाता है। तो इस तरीके से मैं बहुत ही इजीली तरीके से लेट जाती हूँ, और मुझे बहुत ही आराम फील होता है। बट ये है कि कंटिन्यू इस तरीके से आप 2-3 घंटे नहीं लेट सकते हैं, तो बीच बीच में मैं दाहिने करवट भी बदल लेती हूँ, फिर लेफ़्ट साइड हो जाती हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ये लेफ़्ट साइड
बाय करवट ही होकर के मैं लेटूँ तो इस तरीके से लेट रही हूँ। इस समय मेरा 9 मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है और जो होता नहीं है सांस वाली दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बाएं करवट लेटने से आपका बेबी का मूवमेंट भी अच्छे से होता है, बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड अच्छे से सप्लाई होता है। तो आप इस तरीके से लेट सकते हैं। अदरवाइज आप तकिया लगाने में कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, कभी कभी होता है तकिया नहीं मन करता है, तो मैं इस तरीके से बीच में लगा करके दोनों पैरों के बीच में तकिया और बाएं करवट इस तरीके से मैं लेटती हूँ। अब तो आदत सी बन गई है, शुरू शुरू में दिक्कत होती है बाएं करवट लेटने में, फिर धीरे धीरे वो ना हैबिट बन जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लेटते हैं तो आपके बेबी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और डॉक्टर भी ज़्यादातर कहते हैं बाएं करवट लेटने के लिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम लेटते हैं तो धीरे धीरे लेटना चाहिए और उठने के वक्त हमें बहुत ही धीरे हाथों की सहायता लगा करके उठना चाहिए। झटके में उठना और लेटना ये चीज़ नहीं करना है, आराम से जिस तरीके से आपको लगे कि आप आराम है इस तरीके से लेटने में वैसे लेटिए। तो अगर आपको बाएं करवट लेटे लेटे दिक्कत हो रही है तो आप बीच बीच में अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हाथों की सहायता से मुड़िए, लेफ्ट साइड लेटिए, उसके बाद फिर राइट साइड भी हो सकते हैं, और दोनों पैर के बीच में तकिया फंसाने से ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है बेबी बम को। और बेबी बम के आगे आप तकिया लगा सकते हैं अगर आपको आराम मिलता है, नहीं मिल रहा है तो आप साइड में ऐसे रख सकते हैं और हाथों को कुछ इस तरीके से रख करके लेटना रहता है। दहिने आप केवल 15 से 20 मिनट लेटिए, उसके बाद फिर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर आपको बाएं करवट लेटने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। और बाएं करवट लेटने से बच्चे जो फंसते हैं ना बीच बीच में वो नहीं होता है। और बस ये है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बीच में आप 2 से 3 मिनट के लिए सीधा भी लेट सकते हैं, बट सीधा लेटने के लिए डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। बस ये होता है ना कि बाएं दाएं होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो 2 से 3 मिनट आप सीधा लेट जाइए, फिर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी रहती है। सीधा लेटने पे ये होता है दिक्कत कि बच्चा जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, बच्चा अनकंफर्टेबल अंदर टमी में फील करता है और उसको मतलब सांस लेने में और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सब होने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से कभी भी सीधा नहीं लेटा जाता है प्रेगनेंसी में। तो फिर आप तुरंत अपनी 2-3 मिनट सीधा लेटने के बाद पोजीशन चेंज कर लिया करिए, थोड़ा सा बाएं लेट जाइए, उसके बाद ज़्यादातर टाइम आपको बाएं करवट लेटना है, थोड़ी देर के लिए आप दाएं करवट भी लेट सकते हैं। आप अपने हाथ को सर के पीछे या तो जिस तरीके से आपको लगता है हाथ आपका कंफर्टेबल लग रहा है रखने में उस तरीके से आप हाथ रख सकते हैं, हाथ के लिए कोई वो नहीं होता है, बस पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई हार्म ना पहुँचे। ख़ास तौर पे जब हम लोग मुड़ते हैं पोजीशन चेंज करते हैं या उठते हैं या लेटते हैं तो उसमें हमें झटके में कोई चीज़ नहीं करनी रहती है, क्योंकि अंदर बेबी रहता है ना तो दिक्कत होने का ये डर रहता है। तो इस तरीके से हाथों की सहायता से मैं उठती हूँ, हाथों की सहायता से मैं लेटती हूँ और अपने आप को मतलब सही पोजीशन में रखने की कोशिश करती हूँ। वैसे कहा जाता है सबकी बनावट शरीर की अलग अलग होती है और बच्चा पेट में अलग अलग पोजीशन में रहता है, जिस तरीके से आपको आराम मिले उस तरीके से आप करिए ताकि आपके बेबी को भी उसी तरीके से आराम मिले। तो हाथों की सहायता से खसक के मैं बैठती हूँ या उठती हूँ, बेड से उतरती हूँ, हमेशा आप बैठ के कॉर्नर साइड लेटा करिए, क्योंकि इस पोजीशन में ना इस पीरियड में ना यूरिन बहुत जल्दी जल्दी पास करने का मन करता है, जिस वजह से उतरने में आपको दिक्कत ना हो, तो हमेशा बैठ के कॉर्नर साइड पर ही लेटिए। तो मेरी शुरू की प्रेगनेंसी 2-3 महीने मैंने किसी भी पोजीशन में लेटा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से 5 मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैं ज़्यादातर बाएं करवट ही लेटने लगी थी। अब तो 3rd trimester स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादातर क्या अक्सर मैं बाएं करवट लेटती हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत पोजीशन मैं चेंज कर लेती हूँ। पोजीशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं इस प्रेगनेंसी जर्नी में किस तरीके से सो रही हूँ, उठ रही हूँ, किस तरीके से लेटती हूँ, किसके सहारे क्या करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर किसी भी रीजन पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस कुछ और ही समय है बेबी को आने में, बस भगवान से प्रेयर करिएगा सब अच्छे से हो जाए। तो ये ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी मैं इस तरीके से लेट रही हूँ, सो रही हूँ और इस पोजिशन में किस पोजिशन में रहती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, डॉक्टर ने मुझे यही बोला था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।